सब्सक्राइब कीजिए कार ऑडियो इंडिया चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। जी वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका दोस्त करणवीर फ्रॉम कार ऑडियो इंडिया बैक अगेन विद न्यू वीडियोस। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपकी कार यूएसबी जो एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव है वो गाड़ी में फॉर्मेट करने के बाद जो मैंने प्रोसीजर बताया था वो करने के बाद भी आपके स्टीरियो में चल नहीं रही थी। वो क्यों नहीं चल रही थी, मैं आपको पहले सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दूं। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि वीडियो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो फेक नहीं, वीडियो जेन्युइन है। तो कुछ स्टीरियो, जैसे ये मेरे पास कैनवुड का है, ये डबल डिन स्टीरियो है, ठीक है, और कुछ स्टीरियो आपके 16 GB पेन ड्राइव या 32 GB या 64 GB को सपोर्ट नहीं करते हैं कुछ स्टीरियो। अब ये मेरे पास 16 GB की पेन ड्राइव है, तो ये स्टीरियो 16 GB पेन ड्राइव को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये 8 और 4 GB तक सपोर्ट करता है। अब जिनके पास थोड़े से पुराने स्टीरियो हैं गाड़ी में, और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, ये दोस्तों ये स्टीरियो बहुत अच्छे हैं, इनकी साउंड क्वालिटी और बेस कुछ भी आप कंपेयर करें आज के स्टीरियो के साथ, चाहे वो एंड्रॉयड हो या कोई भी हो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या है, अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं लैपटॉप साथ लेके बैठा था कि आपका डाउट सारे क्लियर हो, ठीक है। जैसे स्कोडा ऑडियो है, इसमें ये दो गाने पड़े हैं, ये ठीक है आपके सामने मैंने स्क्रीन दिखा दी, ये पेन ड्राइव लगी हुई है, ये मैंने पेन ड्राइव यहाँ से निकाली और ये निकाल के मैंने लगा दी स्टीरियो में। तो अभी स्टीरियो देखते हैं क्या दिखाता है रीडिंग। तो ये स्टिल नो ऑडियो और रीडिंग का एरर आ गया, ठीक है जी। वीडियो छोटी रहेगी मेरी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, आपको बोर नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो ये बार बार उसको रीड कर रहा है तो ये इसको चला नहीं पा रहा है, एक तरह हम कह लीजिए नो डिवाइस का ही एरर है। वो देखे दोस्तों, दोबारा बार बार देखिए आप, रीडिंग और नो डिवाइस का एरर है, कोई बात नहीं। अभी इस पेन ड्राइव को मैं यहाँ पर अपने, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप दोस्तों टूट गया था, मेरे से गिर गया था तभी टूट गया था। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी मैंने आपको दो गाने सुनाए थे, सॉरी दिखाए थे, इसको कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अभी हम जाएंगे माई कंप्यूटर में और ये मेरे पास ये पेन ड्राइव आ गई स्कोडा ऑडियो की, ये 8 GB की पेन ड्राइव है। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा तो हम फॉर्मेट पे आएंगे। देखिए सारी गेम आपने यहाँ खेलनी है, ये छोटी सी विंडो आ गई है, आपकी पेन ड्राइव NTFS फॉर्मेट में वो रीड हुई है, ये NTFS फॉर्मेट में रीड हुई है। अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर यहाँ ले आता हूँ आपकी मेन स्क्रीन पर ताकि आपको आइडिया हो। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसको FAT32 डिफ़ॉल्ट कर देना है, कुछ नहीं छेड़ना, ये अलाउ यूनिट साइज़ ये नहीं छेड़ना और ये जो कैपेसिटी वगैरह है कुछ नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं, बस यहाँ से इसको कर देंगे स्टार्ट और ओके। ये जब तक फॉर्मेट हो रही है दोस्तों, अपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका चैनल है कार ऑडियो इंडिया और आप इन्हें वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अब ये सिस्टम को फॉर्मेट कर रही है, फॉर्मेट कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं दोबारा स्कोडा ऑडियो में जाऊँगा, अब यहाँ पर आके अपने वो दोनों गाने मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये गाने पेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों पता नहीं वो कैसे है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, पर मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया था लास्ट वीडियो में। चलिए एक बार दोबारा हम पेन ड्राइव लगाते हैं, अब देखते हैं क्या आता है रीडिंग एंड अगेन। एक बार मैं दोबारा निकाल दी, दोबारा लगाता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने USB 1 आ गया और गाना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैंने दो गाने डाले थे, एक गाना आगे करता हूँ। ओ सॉरी, ये जो दोस्तों स्विचेस हैं ये वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये थोड़ा मैंने थोड़ी छेड़छाड़ नहीं करी थी स्टीरियो से, बट आपके गाने चल गए हैं। अभी रिमोट भी इसका मेरे को पता नहीं कहाँ पड़ा है, ठीक है दोस्तों। और ये मैं थोड़ा AC बंद कर लूँ, ठंडी होगी गाड़ी। तो ये चल पड़े हैं आपके, ये दोनों गाने ही चलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताया आपको कि कैसे करना है, जैसे मर्जी पेन ड्राइव लगाइए। अगर आपको कोई लगता है कंफ्यूजन की, पता नहीं यार पेन ड्राइव में कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए गाने चल पड़े हैं। तो इसको फॉर्मेट करने का क्या आइडिया, ये मेरे पास 8 GB की पेन ड्राइव है, ये 8 GB। अगर आपको लगता है कि 16 GB की पेन ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम नहीं उठा पा रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 8 GB की पेन ड्राइव या 8 GB का मेमोरी कार्ड या 4 GB की पेन ड्राइव या 4 GB का मेमोरी कार्ड, कुछ भी आप उन दोनों में से लेकर लगा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। बिल्कुल सिंपल वे में थी। और इसको जो फॉर्मेट करने का तरीका, ये देख लीजिए एक बार, मेरी स्क्रीन पे खुला ही हुआ था। पेन ड्राइव को आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना,
FAT32 डिफॉल्ट रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, FAT32 डिफॉल्ट, और कुछ नहीं छेड़ना, ना ये EX करना है ना NTFS करना है। NTFS आपका कंप्यूटर का फॉर्मेट है, अगर आपने गाड़ी में चलाना है तो उसको FAT32 पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो अलाउ साइजिंग है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, बाई डिफ़ॉल्ट जो कर दिया सो कर दिया बस। अगर 16GB की पेन ड्राइव नहीं चल रही है तो वो स्टीरियो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अगर 8GB की पेन ड्राइव चल रही है और 4GB चल रही है तो इट मीन्स आपका स्टीरियो सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, एक बिल्कुल सिंपल सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि मैंने प्रोसीजर है, कैसे आपको बताया कैसे गाड़ी पे चलाना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। जैसे कि पता है कार रेडियो इंडिया आपका चैनल है, लाजमी आप ही ने वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर।